काटेंगे छोटी पहनेंगे टोपी, धर्मांतरण की दी धमकी, कांवड़ रोकने का विरोध। बरेली में कांवड़ विवाद में दोनों समुदाय के 725 लोगों पर दर्ज हुई FIR। ग्रामीणों ने कहा करेंगे धर्मांतरण, मुस्लिम धर्म करेंगे कबूल। 7 दिन से चल रहा धरना भी हुआ समाप्त। बरेली के बिथरी चैनपुर में आखिरी सोमवार से 1 दिन पहले उपजे विवाद ने उग्र रूप ले लिया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों समुदाय के 725 लोगों पर FIR दर्ज की है। वही कांवड़ यात्रा की DM द्वारा परमिशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण अब मुस्लिम धर्म कबूल करने की बात कह रहे हैं। आखिरकार प्रशासन की जीत हुई और विधायक की हार। विधायक पप्पू भरतौल ने पिछले रविवार कांवड़ियों से कहा खजूरी या गांव जाकर कहा था कि कांवड़ यात्रा मुस्लिम बाहुल्य गांव उमरिया से होकर ही निकलेगी, जिसके बाद उमरिया के ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। हालात ज्यादा तनावपूर्ण होते देख DM ने कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद कांवड़िए गांव में ही शिव मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए थे और आज पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों का धरना समाप्त करवा दिया। SDM सदर MP सिंह का कहना है कि गांव से धरना समाप्त हो गया है और अब कोई विवाद नहीं है। वही SP सिटी का कहना है कि कल दोनों समुदाय के लोग सड़क पर आ गए थे और हंगामा कर रहे थे, जिस वजह से दोनों समुदाय के 725 लोगों पर पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की गई है। वही इस मामले में खजुरिया गांव के लोगों का कहना है कि योगी सरकार हिंदू विरोधी है और अब वो लोग धर्मांतरण करेंगे। ग्रामीण प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अब वो चोटी कटवाकर मुस्लिम धर्म कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 कांवड़ियों को प्रशासन ने कहा था कि वो अपनी गाड़ी से जल लेने ले जाएंगे, लेकिन प्रशासन उतना भी नहीं कर सका और मुस्लिम लोगों के आगे झुक गया, जबकि उमरिया गांव की सरकारी सड़क है। कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं मिलने से खजुरिया गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। अब उनका कहना है कि वो मुहर्रम में ताजिए किसी भी कीमत पर नहीं निकलने देंगे। वही कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं मिलने से हिंदू संगठनों में भी जबरदस्त आक्रोश है। कल से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पवन अरोड़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खजुरिया गांव में धरने पर बैठ गए। पवन अरोड़ा का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से एक सहमति बनी कि केवल 5 लोग कांवड़ लेकर जाएंगे, जिनको पुलिस ले जाएगी, लेकिन प्रशासन उसमें भी डर गया। उन्होंने कहा कि आजाद देश में हमें कांवड़ भी नहीं ले जाने दी गई। उन्होंने कहा खासतौर पर हिंदुओं को अपने ही देश में इस तरह का अपमान सहना पड़ा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही उमरिया गांव के लोगों का कहना है कि वो कांवड़ किसी भी कीमत पर निकलने नहीं देंगे। फिलहाल प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की परमिशन न देकर आफत मोल ले ली है। अब मुहर्रम में ताजिए निकालने का दौरान बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि हिंदू समाज में सरकार और प्रशासन खून चढ़ा सकते हैं। तो तुम बताएं, हम अपने जल चढ़ा, प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया। ये योगी सरकार योगी सरकार हमारी परेशानी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ हम कितने दिल से और वो करने गए थे, अब पिछली बार गए, अपना जल अभिषेक करेंगे, ये हमारी बचपन से रास्ता देखी हुई है। लेकिन आगे हमें प्रशासन ने हमें मंदिर पे आरती के लिए भी नहीं जाने दिया, आगे बढ़ने दिया। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक बात खुली है यहाँ से कि कुछ लोगों ने ऐसा कही है कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ऐसा ना होने पे। सही है, सिमरा के लोग हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात हकीकत है, ये धर्म परिवर्तन के लिए योगी सरकार में ये नहीं हो पा रहा है, तो हम कब करेंगे बताओ? इससे हमारा मुस्लिम माने रहना सही। तो अगर ऐसा, अगर धर्म परिवर्तन की अगर बात अगर आती है, तो आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ठहराएंगे, जो हमारी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी। नेताओं के ऊपर विश्वास करा, वो नेता उनसे मिले हुए हैं, है नहीं है मिले हुए। मानिए जैसे संतोष कुमार जी, उनका क्षेत्र नहीं, वो हमारे यहाँ तो आ सकते थे। BJP के लिए वोट मांगने सब आते हैं यहाँ, इसके लिए कोई नहीं आ सकता है। सपा सरकार में हमारी कांवड़ ले गई, BJP सरकार में कांवड़ नहीं निकलने दी। पिछली बार हम उमरिया से होके गए थे, लेकिन BJP सरकार में हमारी कांवड़ रोकी जा रही है यहाँ पे। तो इस बात पर BJP सरकार को दोषी मानते हैं? हाँ, ये इसी सरकार को वोट दिया, अब इसी सरकार में कांवड़ नहीं ली, तो वोट किसको दी? हम तो सरकार की धन्यवाद देना चाहते हैं, हिंदू धर्म पे आपने रोका है हम लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए, संतोष जी के लिए और हमारे योगी जी के लिए। कांवड़ नहीं निकलने दी तो बहुत कलंक है। अब मुसलमान लोग मिठाई बांट रहे हैं, हम लोग बताइए क्या करें।
तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? अब हमारे गांव की सबकी रणनीति है मुसलमान बनने की, तो मुसलमान बन जाएंगे। कोई नहीं सुनता और क्या, तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे हम, कुछ भी बन सकते हैं हम, ईसाई भी बन सकते हैं और सिख भी बन सकते हैं। जैसे सिख लोग करते हैं तलवार दिखाते हैं, हम भी दिखाएंगे वाले के लिए। सर हम 15 दिन से कांवर का लेने का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन बार बार आश्वासन दे के झूठा दिलासा दे के कहीं इधर उधर मोमडनों का पक्ष हो रहा है। योगी सरकार हिंदू विरोधी है, कपड़े बारह पहना आज तैयार हो निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर उतार दे रहे हैं, लाठी डंडे कांता बल्लम लेके वो हमारे को मारने आ गए। क्या करेंगे आप? धर्म प्रदर्शन करेंगे सर, क्या करें, मजबूरी है हमारी, चोटी कटवाएंगे अपनी, टोपी लगाएंगे ऊपर, नमाज पढ़ेंगे, बस यही बचा, कुछ बाकी बचा नहीं हमारे पास। बहुत दुखी है प्रशासन के और सरकार के रवैये। जी 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 जी। खजुरिया में अभी जो धरने पे कुछ लोग बैठे हुए थे उन लोगों का धरना समाप्त करा दिया गया है फिलहाल, और उन लोगों की तरफ से एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो आपत्ति की गई थी उनके लिए FIR उनमें फिर दर्ज की गई है। इस बात पर कि FIR जो दर्ज की गई है उसमें लोगों की आपत्ति कार्रवाई हो अच्छी तरीके से और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती के साथ इस चीज़ों को निपटाए, इस आश्वासन के साथ में धरना को समाप्त कर दिया गया और अभी फिलहाल शांति है क्षेत्र में। किन धाराओं में FIR दर्ज की, कितने लोगों पे FIR दर्ज की गई है, ये आपको पुलिस के पूरे माध्यम से पूरा जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ से परमिशन ही नहीं निकलने का, तो कैसे निकलने देंगे? हाँ, नहीं निकलने देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर कांवड़ यहाँ से निकलती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, रोकेंगे उनको, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, रोकेंगे। जब परमिशन नहीं है आपके पास तो क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रशासन ने केवल 5 लोगों को यहाँ पे ले जाने के लिए बात कही थी, तभी आप लोग 5 लोगों को भी नहीं? नहीं, एक को भी नहीं, एक को भी नहीं। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं साहब, नमाज का टाइम हो रहा है। कोई विरोध नहीं, जब यहाँ से उन लोग की रास्ता ही नहीं है, आज से जिंदगी, आज से कभी पहले गए ही नहीं वो लोग यहाँ से, तो उनका कोई वास्ता नहीं है ऐसे जाने का। जाते थे तो कभी PSC रोड से चले जाते थे, जाना है तो उनका जाने का कोई संबंध ही नहीं है उनके जाने का, यहाँ से तो कोई रीज़न ही नहीं बनता उनका जाने का। यहाँ से लोग कह रहे हैं पिछले साल निकले थे, कभी भी नहीं गए। अगर निकलते यहाँ से तो फिर तो क्यों निकलेंगे? आप लोग विरोध करेंगे बहुत ज़्यादा, करें निकलने नहीं देंगे हम लोग तो उनको किसी भी कीमत किसी। अरे यहाँ से जब तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है तो क्यों जाओगे तुम लोग यहाँ से? कहना ये है कि सरकारी तौर पर तो निश्चित तो यहाँ का परमिट है क्या? उनका परमिट ही नहीं है वहाँ, यहाँ का उनका परमिट होता जब वो जाते थे, उनका रूट ही नहीं है यहाँ से। ऐसा है, कल एक सहमति बनी थी जो एकता कमेटी इनकी बनी हुई है, उसमें ये सहमति बनी थी कि 7 लोग जो है एक गाड़ी में जाके इधर से सिम्बॉलिक रूप से अपनी कांवर यात्रा ले जाएंगे, और एक चूंकि सबका सम्मान रहना चाहिए उस दृष्टि से शाम को लगभग 4 बजे सारे लोग इकट्ठे होके 7 लोगों को विदा करने की तैयारी कर रहे थे, तो प्रशासन ने इस बात के लिए मना कर दिया कि वहाँ पर जो है वो इसका भी विरोध कर रहे हैं, एक गाड़ी भी निकलने देने का विरोध कर रहे हैं। तो हमको इस बात के लिए बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि ये सार्वजनिक रास्ता है, सरकारी रास्ता है, क्या एक गाड़ी में बैठ के कोई पूजा करने भी नहीं जा सकता? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज़ाद देश में और विशेष रूप से हिंदू समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक है कि इसका भविष्य क्या होगा ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रशासन से बात करी और बहुत नाराज़गी व्यक्त करी, और मैं तुरंत जो है यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठ गया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और तभी हम इसका समाधान चाहते हैं। और चूंकि प्रशासन ने हमको अपनी मजबूरी बताई कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से और अनावश्यक कुछ लोग उकसा के उसका विरोध प्रकट करके जो है इसका मामले को गर्म करना चाहते हैं, इसको तूल देके और शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश किसी प्रकार के दंगे में जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि मैंने निवेदन करा कि चूंकि ऐसा नहीं तो फिर इनके खिलाफ, चूंकि जो आदमी कानून हाथ में लेता है विभिन्न प्रकार के हथियार लेके सड़कों पे जो लोग आ गए चुनौती देने लग पड़े, अगर यहाँ से लोग निकलेंगे तो हम उनको मार डालेंगे, तो ये प्रशासन के लिए खुली चुनौती था। तो हमारे मांग करने पर रात को ADG द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि हम इन सब के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, और चूँकि हमारे यहाँ के लोगों के खिलाफ भी जो उन्होंने बोला है उन्होंने भी अपनी एक तहरीर दी है, उसके लिए तहरीर हुई है, और सुबह प्रशासनिक अधिकारी SDM वगैरह सारे पुलिस अधिकारी मेरे पास इस निवेदन के लिए आए कि हम और भी इसके आगे कार्रवाई करेंगे, राष्ट्रीय जो NSA जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ऐसे प्रकार के लगा के इनके खिलाफ़
जो कि देशद्रोह का काम करा है इन लोगों ने, जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। एक पक्का रास्ता जो कि एक शॉर्ट रास्ता और बिल्कुल सही रास्ता जो नकटिया पे होकर निकलता है इन गांव वालों के लिए, और पुराना रास्ता है, पिछले भी टाइम में जो है ये लगातार चलता रहा है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने का हमको अभी आश्वासन दिया गया। कांवड़ यात्रा निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्या करेंगे आप लोग अगला? नहीं, अब कांवड़ यात्रा निकालने के लिए जो है अब वो बात नहीं रही, क्योंकि हमारा आज का जो शिव तेरस का दिन था, जो सबसे आखिरी दिन होता है कांवड़ चलाने का, वो दिन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जाके भी जो है वहाँ पे कछला में पहुँच के और कांवर दिन मुड़ने तक पहले तक नहीं आ सकते, और कांवर हमेशा सुबह के टाइम चढ़ती है, तो इसलिए अब कोई औचित्य नहीं रहेगा कांवर चलाने का। इसलिए हमको कोई समझदारी नहीं है कि हमें वैसे कभी जल चलाना होगा तो कभी भी चढ़ा लेंगे। जो शुभ दिन होता है, जो सावन के दिन होते हैं, जो शिव तेरस का जो आज आखिरी दिन सबसे शुभ मुहूर्त था, वो भी हमारा निकल गया है, तो हमारा इसका विरोध है। और हम निश्चित रूप से अब कांवर किसी भी हालत में नहीं निकालेंगे, जब तक प्रशासन हमको लिखित रूप से अनुमति नहीं देगा आगे के भी, तो हम ऐसे प्रकार के कार्य में नहीं आगे बढ़ेंगे, और उनके खिलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और अगर उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तब हम इसके लिए आगे आंदोलन करने का काम करेंगे। 250 हिंदुओं के खिलाफ भी FIR हुई है, क्या कहेंगे आप? 250 हिंदुओं के खिलाफ मेरी जानकारी में अभी कोई भी ऐसी नहीं है, और अगर कुछ ऐसा किसी के खिलाफ गलत हुई है तो उसका भी हम जो है विरोध करेंगे, और हमको कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा तो ऐसा करेंगे, क्योंकि हिंदुओं ने किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी गलत कोई काम नहीं करा है, और केवल मुस्लिमों ने ही जो है हमारी कांवड़ यात्रा को रोकने का प्रयास नहीं। धरना तो इनको आश्वासन के बाद हमने अभी जस्ट समाप्त किया है, क्योंकि इनके द्वारा जो है हमको आश्वासन दिया गया है कि हर प्रकार से जो है इनके ऊपर सख्ती कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने कानून हाथ में लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से 2-4 दिन में हमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। कार्रवाई छुपती नहीं है, कार्रवाई सामने आएगी, तो निश्चित रूप से हम काबर अगर हमारी नहीं निकलने दी इनने, अगर इनके ताजिया निकल के जाएंगे तो हम इनके तोड़ फोड़ कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत में, इनको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत में, इस रास्ता को हम गुजरने नहीं देंगे। हाँ क्यों, उनका धर्म है हमारा धर्म नहीं है, हमारा देश है तो हमारा धर्म नहीं है, इन धर्मों को क्या कहते हैं, इनका धर्म है।